टुडे में लगभग 3 साल मुझे संपादक रहने का मौका मिला और इस दौरान लगभग 150 इश्यूज अंक मैंने निकाले। अगर आप अच्छा फोटो नहीं पहचान सकते हैं तो आप अच्छे संपादक नहीं हो सकते हैं। आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। लिखना सबसे सस्ता काम है मुझे लगता है पूरे जर्नलिज्म का। दोस्तों नमस्कार। फोटोग्राफी को लेकर के मैं ये चैनल शुरू किया, लेकिन फोटोग्राफी का मतलब कि जर्नलिज्म को कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि फोटोग्राफ का ज़्यादा उपयोग तो मैं जर्नलिज्म में ही देखा हूँ। तो जर्नलिज्म में जो फोटोग्राफ यूज होती है उसके पीछे संपादक की सोच बहुत महत्व रखती है। दिलीप मंडल अखबारों के संपादक रहे, जब बाद में इंडिया टुडे के मैनेजिंग एडिटर थे तो मैं इनकी कार्य करने की तरीके को देखा, फोटोग्राफ के प्रति जिस तरह से वो सचेत रहते थे, तो मैंने चाहा कि आज इनसे पूछा जाए कि तस्वीरों को किस तरह से प्राथमिकता देते थे, तस्वीरों के लिए क्या एक्सरसाइज करते थे। बहुत अद्भुत देखा हमने इंडिया टुडे के जब आप मैनेजिंग एडिटर थे, क्योंकि इस तरह की पत्रिकाओं में फोटो का महत्व तो कुछ ज़्यादा होता है, और आप जब कवर स्टोरी प्लान करते हैं या कोई मेजर स्टोरी प्लान करते हैं तो पिक्चर के बारे में किस तरह आपकी सोच रहती है उस पर हम आपसे सुनना चाहते हैं। एक मैनेजिंग एडिटर बताएं कि तस्वीर का उनके लिए कितना महत्व और कैसे अवेयर रहना पड़ता था कि तस्वीरें पावरफुल रहें। जगदीश जी, देखिए ये जो पूरा प्रिंट का जो काम है और टेलीविज़न तो फिर है ही है, इसमें फोटोग्राफी जो है ये मुझे लगता है कि लिखे हुए शब्द से कई गुना ज़्यादा इसका महत्व मैं मानता हूँ निजी तौर पर। बाकी लोग क्या मानते हैं मुझे नहीं मालूम। और इंडिया टुडे में लगभग 3 साल मुझे संपादक रहने का मौका मिला और इस दौरान लगभग 150 इश्यूज अंक मैंने निकाले साप्ताहिक पत्रिका होने के नाते, और इसके अलावा बहुत सारे और उसकी सहयोगी पत्रिकाएं थी जो भी मुझे निकालने का मौका मिला। तो स्टोरी जो जब हम शुरू करते थे या जब मैंने एक रिपोर्टर को कहता था कि स्टोरी करो, तो उसका काम मैं हमेशा ही बताता था कि लिखना जो है इसका सबसे आसान पार्ट, सबसे पहले आप कल्पना करो कि इसके साथ तस्वीर क्या जाएगी, वहाँ से आप सोचना शुरू करो। मतलब रिपोर्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आपकी कहाँ आपके उस रिपोर्ट की जो यात्रा है वो लिखे हुए शब्द से नहीं शुरू होगी, आपके सोचने की जो यात्रा है वो फोटोग्राफी से तय होगी, फोटो से तय होगा, उसके साथ फ़ोटो किया जाएगा। खास करके कवर के मामले में जगदीश जी मैं बताऊँ कि आप एक बुक स्टॉल पर जा रहे हैं या न्यूज़पेपर वाला अपने साथ वो कुछ पत्रिकाएं लेके जा रहा है, अब एक ग्राहक के नाते जब मैं उसको देखूंगा तो मैं अंदर लिखे हुए बारीक शब्दों को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उस कवर को देखूंगा कि उस पर क्या है और उस पर मोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ है। तो कोई पत्रिका सिर्फ अपनी कवर पर एक अच्छी फ़ोटो की वजह से बहुत ज़्यादा उसकी कॉपी बिक सकती है, और एक सिर्फ एक बहुत अच्छी तस्वीर ना हो तो उसका सर्कुलेशन गिर जाता है। और इस वजह से मैंने अपना जो मेरी दिनचर्या रहती थी इंडिया टुडे में, उसमें सबसे ज़्यादा समय मैं फोटोग्राफर्स के साथ बिताता था, क्यों वो हमारी पत्रिका की दरअसल जो नींव या जान जिसको बोलते हैं, जहाँ पर उसकी पत्रिका की अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूँ वो सोल, उसका अंतर्वस्तु जहाँ पर नहीं है वो वहाँ पर नहीं थे। तो इस वजह से, और ये सिर्फ इंडिया टुडे की बात नहीं, इससे पहले भी मैं कई जगह संपादकीय पदों पर रहा और वहाँ भी मुझे हमेशा ये लगता रहा कि जो विजुअल इम्प्रेशन है, जो जो देखा गया वो एक्चुअली पूरी इमेज को जिस तरह से वो उसमें जो असर पैदा करता है उसकी कल्पना आप लिखे हुए हजारों शब्दों से नहीं कर सकते। जैसे कि मनमोहन सिंह कमज़ोर पड़ रहे हैं, लग रहा है कि उनकी विदाई का समय आ गया है, अब इसमें एक अच्छी तस्वीर जिसमें कि मनमोहन सिंह की पीठ दिख रही है, सिर झुका हुआ है और वो फ्रेम से एग्जिट कर रहे हैं, अब ये एक तस्वीर आपके लिखे हुए कई हज़ार शब्द से ज़्यादा भारी है, ज़्यादा इसका असर है। एक स्टॉल पर जब लिखा सामने एक पत्रिका रहेगी जिसमें मनमोहन सिंह का चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ सिर झुकाए हुए मनमोहन सिंह की पीठ दिख रही है, वो हो सकता है कि वो बेस्ट सेलर पत्रिका उस समय की होगी। और क्योंकि इंडिया टुडे भारत की सबसे बड़ी पत्रिका मेरे समय में थी, जो सबसे ज़्यादा बिक्री भी होती थी और जिसका इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा होता था, पार्लियामेंट से लेकर सब जगह जिसकी चर्चा होती थी, और खास करके हिंदी का एडिशन बहुत ज़्यादा उस दौरान चर्चा में रहा, बहुत राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह मिल रहे थे उसको। तो इसमें एक चीज़
जिसको मैं इसका श्रेय देता हूँ वो इंडिया टुडे के फोटोग्राफर्स को देता हूँ, और जो फोटो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कि एजेंसी से फ़ोटो उठानी है। अब मुझे ये बताना है कि जैसे 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले मेरा अपना आकलन था कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, उनकी ताजपोशी होने वाली है, हालांकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि शायद बहन जी वापसी करेंगे या मतलब और कुछ होने वाला है, तमाम तरह के आकलन थे, मेरा अपना एक आकलन था और रिपोर्टर ने भी मुझे सूचना दी कई जगह रिपोर्टिंग करके कि अखिलेश की वापसी हो रही है। अब अखिलेश की वापसी हो रही है, मुझे अब ये एक विजुअल इम्प्रेशन के तौर पर कवर पर दिखाना था, तो मैंने अखिलेश यादव की हज़ारों तस्वीरें सर्च की और फोटो कोऑर्डिनेटर को कहा अपने यहाँ कि आप अखिलेश यादव के उस मूड को दिखाने के लिए, जबकि वो सत्ता में नहीं आए हैं लेकिन दिखाना है कि वो सत्ता में आने वाले हैं, तो बहुत तस्वीरें ढूंढ कर उन्होंने एक तस्वीर निकाली जिसमें अखिलेश यादव को पगड़ी पहनाई जा रही है और ताजपोशी की तैयारी के साथ हमने उसको कवर पर लिया और वो बहुत चर्चित कवर रहा। तो ये एक्चुअली देखिए, अब ये एक तस्वीर का जादू कि वो तस्वीर बहुत लंबे समय तक याद रही, रखी गई, अखिलेश यादव अपने यहाँ कवर मतलब टेबल पर लंबे समय तक उस कवर को रखते थे, या आप अभी भी देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव के समय हमने एक कवर, तो मैं उस पर थोड़ा ये कह रहा हूँ रिस्क कितना था संपादक के रूप में, नहीं वो उस रिस्क की आप कल्पना कीजिए कि अखिलेश यादव की वापसी होगी। आमतौर पर इंडिया टुडे बहुत गार्डेड चलता है, बहुत संभल कर चलता है, आमतौर पर इस तरह की पोजीशंस नहीं लेता है, लेकिन रिपोर्टर्स के लगातार जो अलग अलग जिलों में हमने जो रिपोर्टर्स भेजे और उनके जो फीडबैक थे और जो राजनीतिक पर जिनकी नज़र रहती है, और मैं दरअसल राजनीति में हमेशा कुछ बैरोमीटर्स को मान के चलता हूँ कि जो लगातार किसी राज्य के बारे में या किसी राज्य के किसी अंचल के बारे में सही प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, लगातार अगर उसने 80% या 90% सही प्रिडिक्शंस किए हैं पिछले 5 या 7 या 8 चुनाव में, तो मुझे लगता है कि वो आदमी जनरली सही प्रिडिक्शन करेगा। तो तमाम तरह के टूल्स अपने इंट्यूशंस के आधार पर ये जोखिम मैंने लिया और अखिलेश को कवर पर डाला, या इवन जब लालू यादव को लोग बिल्कुल मान चुके थे कि वो अब जा रहे हैं, उस समय मैंने एक बार लालू यादव को कवर पर डाला कि इनकी भी वापसी होने वाली है, जो कि 2015 में हुई, और उसका जो कवर था उसको बकायदा फ्रेम करके लालू यादव के ऑफिस में कोई दे के गया था, तो वो तस्वीर मैंने उनके यहाँ देखी थी। तो ये एक्चुअली एक आने वाले समय की आहट को पहचानने की क्षमता ये खैर हर संपादक में होती है, होनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें खास करके जिस बात को कह रहा हूँ कि इन मौक़ों पर एक तस्वीर, जो तस्वीर अगर मैं उस पर कुछ भी ना लिखूं तो एक तस्वीर पूरी कहानी कह दे, ये फोटोग्राफर का जादू है। उसने उस जैसे एक कवर था हमारे पास जिसको कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित राममोहन राय पत्रकारिता अवार्ड मिला प्रेस काउंसिल का, और जिसको उपराष्ट्रपति आमतौर पर देते हैं, पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, वो पुरस्कार मिला उसको कि मुसलमान जो है आबादी उनकी कम है 13% के आसपास, लेकिन जेल में वो 25% के आसपास है, जेलों में उनको ज़्यादा रहना पड़ रहा है, इसके तमाम तरह के इसकी वजहें हो सकती। तो कवर स्टोरी एक हमने बनाई कि मुसलमान जेल में ज़्यादा देश में कम, तो ये अब इसके लिए मुझे एक तस्वीर की ज़रूरत थी जिसमें कि वो ट्रॉमा दिखे, वो एक दर्द दिखे, और जो मुसलमान एक जेल के अंदर है और उससे कोई मिलने गया है और उस परिवार का जो ट्रॉमा है उसको दिखाना है। तो कई सारे फोटोग्राफर्स अपने इंडिया टुडे के हमने कहा कि आप अपने अपने जेलों में जाइए, प्लीज़ देखिए, इंतज़ार कीजिए उस मौके का, आपको इसमें हो सकता है घंटों लगे, हो सकता है दिन लग जाए, हो सकता है आपको ऐसा कोई परिवार ना मिले, लेकिन आप उस ट्रॉमा को कैप्चर कीजिए। तो उनमें से एक फोटोग्राफर ने वो तस्वीर लगाई और वो कवर स्टोरी इंडिया टुडे की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कवर स्टोरी मैगजीन की थी, और वो स्टोरी भी बहुत प्रशंसित रही, पार्लियामेंट में उसको लेकर सवाल पूछा गया और सरकार को उस पर जवाब देना पड़ा, तो ये उस फोटो का भी जादू था। और सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया कि आप जो पहले ही से इंट्यूशन करके कि ये कवर स्टोरी करेंगे और फोटोग्राफर को अलर्ट कर पहले बताना, जी ये भी एक फोटोग्राफर के हित में इतना होता है। देखिए संपादक अगर तस्वीर को ठीक से यूज करते हैं और गाइड करके शूट करा लेते हैं तो फोटोग्राफर का करियर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। बिल्कुल तो बल्कि कई बार स्टोरीज में हमने रिपोर्टर का नाम और फोटोग्राफर का नाम ऊपर ही डाला, रिपोर्टर का नाम फोटोग्राफर का नाम दोनों जो है वो ऊपर जाए, आमतौर पर फोटोग्राफर लास्ट रोल फोटो के कोने में एक बहुत छोटे पॉइंट साइज में लिख देते थे, उसका पॉइंट साइज भी मैंने बढ़वाया था कि भाई इतना छोटा नहीं मत डालिए, फोटो अगर महत्वपूर्ण है तो उस फोटोग्राफर ने दरअसल हो सकता है उस फोटो खींचने के लिए एक रिपोर्टर से कई गुना ज़्यादा मेहनत की होगी, क्योंकि लिख देना तो आप घर में आके बैठ के लिख दे सकते हैं,
लेकिन उस खास मोमेंट को पहचानना, उस मोमेंट पर आपके कैमरे का तैयार होना, उस जगह पे पहुंचना जहां ये मोमेंट हो रहा हो, ये एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। आप कल्पना कीजिए पत्रकारिता की बगैर तस्वीर की, आप सिर्फ एक आँख बंद करके सोचिए एक अखबार की जिसमें फ़ोटो ना हो, मतलब उससे मुर्दा कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप एक न्यूज़ मीडियम की कल्पना कीजिए जिसमें फ़ोटो ना हो, टेलीविज़न कल्पना कीजिए कि एंकर सिर्फ बात कर रहा है, अनंत काल तक बात कर रहा है, हो ही नहीं सकता है, मतलब वो उसको बीच बीच में इमेजेस दिखाने पड़ेंगे। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है कि जो फोटो जर्नलिज्म है वो पूरी जर्नलिज्म में ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए मैं उसको मानता हूँ और इसलिए ज़्यादा समय मैंने फ़ोटो डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बिताता था। भाई एक स्टोरी अगर कल्पना कर ली गई तो मेरे फोटोग्राफर के साथ बात करना खुद और रिपोर्टर से कहना कि आपको पहले उनसे बात करनी है, लिखना का काम आपका बाद में हो जाएगा। आप फ़ोन करके भी आप स्टोरी में दो कोटेशन ले आओगे, डाटा रिसर्च कर लोगे, अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को बोल दोगे इसका डाटा दे दो, ये सबसे आसान काम है। आपको एक सिनर्जी बनानी, एक लय बनानी, एक कदम ताल करनी है उस फोटो के साथ और उस टेक्स्ट के साथ। ये जो आपका जो कदम ताल है ये स्टोरी बना रहा है। तो हर स्टोरी में फोटोग्राफर का होना और उसका महत्वपूर्ण भूमिका में होना, ये एक्चुअली जर्नलिज्म का एक सार तत्व है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा जो रिपोर्टर है उसमें ये खासियत होनी ही चाहिए कि फोटोग्राफर को बता सके कि मुझे क्या फ़ोटो चाहिए। अगर वो नहीं बता सकता है तो वो अच्छा रिपोर्टर नहीं है। वो अगर कवर स्टोरी सोच रहा है और कवर पर कौन एक तस्वीर होगी, एम जे अकबर साहब बहुत, मतलब मैं उनकी पत्रकारिता की वजह से उनको साहब कर रहा हूँ, तमाम और वजहों से चर्चा में हैं, बुरे वजहों से चर्चा में हैं, लेकिन मैं उनको इस मामले में एक पत्रकारिता का मैं फ़ोटो के महत्व को पहचानने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोगों में मानता हूँ। कवर में वो हमेशा पोर्ट्रेट स्टाइल में आदमी की तस्वीर, वो क्लोजअप की तस्वीर ज़्यादा इस्तेमाल की उन्होंने मेरे ख्याल से अपने समय में। उन्होंने 80% तस्वीरें उनकी, जो उनके समय की जो मैगजीन है इंडिया टुडे इंग्लिश जो उन्होंने निकाली है, संडे निकाला, तो उसमें आप देखेंगे तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि आदमी जो है वो आदमी के बारे में जानना चाहता है। अब इतने से एक आदमी के अंदर में उस स्टोरी के हिसाब से उस मूड को पकड़ना कि नरेंद्र मोदी जब संकट में है तब नरेंद्र मोदी, जब गुजरात में जो कुछ होता है, और नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाती है, उस नरेंद्र मोदी के मूड में इतना फ़र्क होना चाहिए कि दो तस्वीरें सामने रख दी जाए तो कोई भी देख के कह दे कि ये नरेंद्र मोदी के संकट के समय की तस्वीर है और ये नरेंद्र मोदी के चढ़ान के समय की तस्वीर है। ये 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 तस्वीर है, ये फ़ोटो है, ये उसका असर है कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है इसकी ज़रूरत भी नहीं है। कई बार अगर आप दो तस्वीरें आमने सामने रख दें तो पूरी कहानी आपको बताती है। जैसे कि आपको अगर एक कवर स्टोरी करनी है कि देश में जो युवा है वो आंदोलित है और उसका गुस्सा दिखाना, दूसरा एक युवा आपको दिखाना है जो कि बहुत एस्पिरेशनल है और नए जॉब्स के लिए वो उम्मीद में है, अब उस दो युवा की तस्वीर के मूड में जो फ़र्क होगा वो तस्वीर, वो मूड फोटोग्राफर पहचानता है और उसकी डिमांड रिपोर्टर करता है कि मुझे ये मूड चाहिए, संपादक उससे डिमांड करता है। तो ये मुझे लगता है कि जो फोटोग्राफर हैं वो बेटर संपादक हो सकते हैं, और कम से कम न्यूनतम प्रीरिक्विजिट है अगर संपादक के लिए कोई इंटरव्यू हो रहा है, हालांकि मैं उन प्रक्रियाओं से गुजर चुका हूँ, अगर आप अच्छा फ़ोटो नहीं पहचान सकते हैं तो आप अच्छे संपादक नहीं हो सकते हैं। आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लिखना सबसे सस्ता काम है मुझे लगता है पूरे जर्नलिज्म का।